हाय गाइज, ड्रग्स मेडिसिन एंड फार्मा जॉब यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्निया डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, हार्निया बीमारी क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हार्निया क्या है, हार्निया के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार का होता है, हार्निया के लक्षण क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हार्निया है, हार्निया के कारण क्या है, ये किस कारण से होता है और हार्निया का उपचार क्या है, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। दोस्तों, ये कोई डॉक्टर नहीं बताता है। आज हम इस वीडियो में सारी बातें करेंगे। दोस्तों, या वीडियो समान जानकारी के लिए, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवाई लेता है तो वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। हार्निया क्या है? हार्निया तब होता है जब आपके अंदरूनी हिस्से का कोई हिस्सा किसी छिद्र से बाहर निकल जाता है या उस मांसपेशी या यूटक में कमजोरी आ जाती है। ज़्यादातर हार्निया में आपके पेट के अंगों में से कोई एक आपके पेट की गुहा की किसी दीवार से बाहर निकल जाता है। हार्निया धीरे धीरे हो सकता है क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी मांसपेशियों में नियमित रूप से टूट फूट होने लगती है। वे चोट, सर्जरी, जन्म संबंधी विकार के कारण भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हार्निया के प्रकार। हार्निया कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, तो हार्निया का प्रकार 6 प्रकार का होता है। दोस्तों, अम्बिलिकल हार्निया, जो नाभि के ऊपर साइड होता है, इपिगैस्ट्रिक हार्निया, जो आप उसके ऊपर देख सकते हैं, इपिगैस्ट्रिक हार्निया अपर एब्डोमन के ऊपर होता है। दोस्तों, इंसीजन हार्निया, जो आपके सर्जिकल, जहाँ पे सर्जिकल कभी सर्जरी हुई हो उसकी जगह पर रहता है। इंग्यूनल हार्निया और स्पिनियल हार्निया, और 6 नंबर है फेमोरल हार्निया। तो आप लोकेशन देख सकते हैं कि जो लोकेशन पे हार्निया है वो उसका नाम है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस लोकेशन पर हार्निया है उसका नाम आपको मैंने बता दिया। 6 नाम है दोस्तों, 6 प्रकार के हार्निया होते हैं। अब हम नेक्स्ट बातें करेंगे हार्निया के लक्षण। आपको कैसे पता चलेगा कि हार्निया क्या है? ठीक है दोस्तों, हार्निया किस प्रकार से दिखाई देता है, कैसे पता चलेगा आपको? तो हार्निया के लक्षण है, सभी हार्निया के लक्षण नहीं होते हैं और हार्निया के विभिन्न प्रकार अलग अलग लक्षण पैदा कर सकते हैं। हार्निया का एक संकेत एक दिखाई देने वाली गांठ या उभार है, जो कुछ गतिविधियों के दौरान या कुछ शारीरिक स्थितियों में दिखाई देता है और अन्य समय में वापस चला जाता है। हार्निया के बाहर आने पर आपको दबाव, हल्का दर्द या चुभन भी महसूस हो सकती है, या तब बाहर आ सकता है जब आप जोर लगा रहे हों, कुछ उठा रहे हों, हंस रहे हों या खांस रहे हों, तो उसके बीच में ये आपको हार्निया होने के चांसेस है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हार्निया के कारण, किस कारण से हार्निया होता है। दोस्तों, हार्निया मांसपेशियों की कमजोरी, खिंचाव, कुछ सामान जो हार्निया के कारण बन सकते हैं वे हैं, एक जन्मजात स्थिति जो गर्भ में विकास के दौरान होती है, जन्म से ही मौजूद रहती है, उम्र बढ़ने पर हो सकती है, चोट या सर्जरी से हुई क्षति, जहाँ पे सर्जरी हो रखी है वहाँ पे हो सकता है, कठोर व्यायाम या भारी वजन उठाने से हो सकता है, क्रोनिक खांसी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स के हो सकता है। अगर आपको गर्भावस्था है, विशेष रूप से एक से अधिक बार गर्भधारण होना, उसके कारण हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको होता है तो उसके कारण, जिसके कारण मल त्याग करते समय आपका तनाव महसूस होता है, अधिक वजन होना या मोटापा होना, तो ये सब इसके हार्निया के कारण है। दोस्तों, इस कारण से आपको हार्निया हो सकता है। दोस्तों, तो कारण आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे हार्निया के उपचार के बारे में। हार्निया का उपचार, हार्निया के लिए सर्जरी ही एकमात्र उपचार है। दोस्तों, हाँ दोस्तों, सर्जरी ही एकमात्र उपचार है। हालांकि गंभीर चिकित्सा समस्याओं वाले रोगियों के लिए सर्जरी अधिक जोखिमपूर्ण हो सकती है। सर्जरी से कमजोर पेट की दीवार की ऊतकों को सुरक्षित किया जा सकता है और छिद्रों को भी बंद किया जा सकता है। दोस्तों, सर्जरी खुली या लैप्रोस्कोप की मदद से की जाती है। तो आपको बता दें दोस्तों, दो टाइप की सर्जरी होती है, फर्स्ट ओपन सर्जरी, सेकंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में क्या होता है दोस्तों, एक कट देकर आपका जो टिश्यू होगा उसको बैक पीछे पुश कर दिया जाता है और टांका लगा दिया जाता है, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो चीरा लगा के कैमरे की सहायता से ऑपरेशन किया जाता है। दोस्तों, तो उसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। तो दो तरीके की सर्जरी होती है दोस्तों, और हार्निया का उपचार सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र उपचार है। दोस्तों, अगर कोई बोले कि दवा से और एक्सरसाइज से ठीक हो, नहीं दोस्तों, सर्जरी ही एकमात्र इसका उपचार है। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद गाइस।